तो बच्चा डिलीवर नहीं होता, उसकी रीजन क्या है? याद रखिएगा, पोस्टीरियर प्रीडेटेशन में जो बच्चे का जो पेल्विक रीजन है वो एक साथ में आता है। इंटीरियर प्रीडेटेशन में आप अक्सर ये देखिएगा कि जब भी बच्चा डिलीवर होता है तो कभी बच्चे की जो दोनों टांगे हैं वो इकट्ठी नहीं आती, हमेशा या एक टांग ऐसे होगी या एक टांग ऐसी होगी। तो ये शोल्डर जो है ये कभी इकट्ठे नहीं आते, ये या ऐसे बच्चा आएगा या ऐसे बच्चा आएगा, जिसकी वजह से स्पेस मिल जाती है और एनिमल जो है उसको आसानी से ड्रिवर कर देता है। तो याद रखिएगा, जब भी एनिमल पांच रेशे के नज़दीक हो, क्लोजअप पे हो, तो उस जानवर को जो है आपने अपनी नज़र में रखना है, क्योंकि ये बच्चा और अगर घंटा डेढ़ घंटा लेट हो जाता तो इसकी एक्सपायरी जो है वो मुतवक्के थी। इसलिए अगर जानवर जोर लगा रहा है तो उसको डेफिनेटली आप आफ्टर सम टाइम अगर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही उसको चेक करें, ताकि आपको आइडिया हो सके कि एनिमल के अगर कोई उसका प्रेजेंटेशन का फॉल्ट है या पोजीशन का फॉल्ट है, पोस्टर का फॉल्ट है, वो आप ठीक कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।